एवरीवन, ये है मेरे पास एक कार्डबोर्ड रोल, तो इसका हम करेंगे रीयूज़। और सबसे पहले इसको करेंगे हम पेंट, पेंट करके इसको डेकोरेट करेंगे। और डेकोरेट करने के बाद इसको हम ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ फ्लावर वाज की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इसके ऊपर पेंट। तो मैं वाइट बेस कोट दे रही हूँ, पहले इसके ऊपर वाइट पेंट करूँगी क्योंकि इसका ऊपर लिड भी है। लिड होने की वजह से इसको हम ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको डेकोरेट करके फ्लावर वाज की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा वाइट पेंट और उसके बाद करेंगे इसके ऊपर अपना मनचाहा कोई भी कलर। अब ये वाइट कलर सूख जाने के बाद इसके ऊपर मैं कर रही हूँ स्काई ब्लू कलर। ब्लू कलर के अंदर मैंने थोड़ा वाइट कलर मिला दिया और स्काई ब्लू बना दिया इसको, और इसके साथ मैं इसको कलर कर दूँगी अच्छे से। ये देखिए ब्लू कलर की टू कोटिंग कर दी है और अब ये अच्छे से सूख चुका है। अब इसको और डेकोरेट करने के लिए मैंने एक ये छोटे बच्चों की बुक ली है जिसके अंदर बहुत सुंदर पिक्चर बनी हुई थी, तो मैंने यहाँ से कुछ पिक्चर्स कट कर ली हैं। ये देखिए मैंने फ्रूट्स की कट की हैं, आप चाहें तो एनिमल्स की कट कर सकते हैं या कुछ भी जो आपको पसंद हो। ये देखिए कुछ बड़ी और कुछ छोटी पिक्चर्स कट कर ली हैं मैंने। अब इनको इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक पिक्चर लेकर इसके ऊपर लगा देंगे फेविकोल और वाटर का एक थिन पेस्ट बनाकर इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे अच्छे से। अच्छे से इसको इसके ऊपर लगाकर और उसके ऊपर रोल के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इसी तरह से हम सभी पिक्चर्स को लगाएंगे। तो इसको पेस्ट करने के बाद कोई भी कपड़ा लेकर, हैंकी लेकर, कुछ भी उसको इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए और इसके अंदर सिल्वेट्स ना आए। ये अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। जब ये अच्छे से स्टिक हो जाएंगे सभी तरफ हम लगा देंगे और उसके बाद जब ये अच्छे से सूख जाएगा इसके बाद इसके ऊपर फेविकोल और वाटर का जो ये हमने पेस्ट बनाया है इसके पूरे के ऊपर हम एक बार और अप्लाई कर देंगे जिससे कि अच्छे से शाइन भी आएगी और ये वाटरप्रूफ हो जाएगा। इसके ऊपर वाटर का हैंड लगेगा तो ये ख़राब नहीं होगा इस तरह से। ये देखिए सभी तरफ मैंने फ्रूट्स के कटआउट लगा दिए हैं और ये कितना प्यारा सा बन गया है। अब इसे सिक्योर करने के लिए और जो ये यहाँ पर ये कलर है इसको भी सिक्योर करने के लिए वाटर एंड फेविकोल का थिन पेस्ट बनाकर इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे जिससे कि ये कलर सिक्योर हो जाएंगे और वाटर वगैरह लगने पर भी ये कलर निकलेगा नहीं। इस तरह से कर देंगे पूरे इसके ऊपर हम ये पेस्ट लगा देंगे। ये देखिए अब पेस्ट बिल्कुल सूख चुका है और कितनी अच्छे से शाइन आ चुकी है इसके ऊपर। अब इसे एज अ फ्लावर वाज यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका लिड होने की वजह से इसे एक ऑर्गेनाइज़र की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर होल कर सकते हैं और इसे एक जो हमारे घर में इस तरह की वेजिटेबल आते हैं और ऐसा पॉलिथीन आते हैं इसे ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम किस तरह से इसके अंदर डालकर यूज़ करेंगे, इस तरह से इसको करके इसके अंदर डालेंगे और ये ऊपर का हैंडल ओपन रखेंगे और इसको दूसरे वाले पॉलिथीन को इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे इस तरह से और अंदर डाल देंगे। फिर नेक्स्ट को भी हम इस तरह से ऊपर छोड़ेंगे
और यहाँ से इसके अंदर डालेंगे और फिर इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से जितने भी हमारे पॉली बैग्स हैं उसको इसके अंदर फिल कर देंगे और ऊपर से यहाँ पर होल करने के बाद इसको इसके अंदर से निकालेंगे तो ये हैंडल इसका यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो जब जो ये होल होगा यहाँ पर, जो यहाँ पर होल करेंगे उसके अंदर से हम पॉलीथीन निकालेंगे। जब इस हैंडल को हम बाहर खींचेंगे तो नेक्स्ट का हैंडल ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ आ जाएगा। हमने एक पॉलीथीन यूज़ किया तो ये हैंडल इसके ऊपर से होल के अंदर से बाहर निकलेगा। जब हमें नेक्स्ट यूज़ करना होगा तो इसको फिर से निकालेंगे और नेक्स्ट हैंडल इसी तरह से बाहर आ जाएगा। इसी तरह से हम इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी ये किचन में पड़ा हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे हमने फ्रूट्स के कटआउट लगाए हैं। तो इसी तरह से इस ऑर्गेनाइज़र को हम किचन में यूज़ कर सकते हैं। अगर किचन में यूज़ ना करना चाहें तो डाइनिंग टेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर रख कर इसको फ्लावर वाज की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं करूँगी इस कांच की बोतल का रीयूज़ और इसे करेंगे हम डेकोरेट। तो सबसे पहले इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ जैसो, चाहे तो जैसो लगाएं या फिर एक्रेलिक कलर लगा सकते हैं और या फिर वॉल पेंट भी लगा सकते हैं इसके ऊपर बेस कोट देने के लिए। तो सबसे पहले मैं जैसो लगा रही हूँ। इसकी एक लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे अपना कोई भी मनपसंद कलर और उसे हम पेंट कर देंगे। जैसो की टू लेयर करने के बाद ये अच्छे से सूख गया है। अब इसके ऊपर हम करेंगे कलर। तो ऊपर की साइड मैं कर रही हूँ लाइट ब्लू कलर और नीचे की साइड करूँगी डार्क ब्लू कलर। और इसे मैं इस तरह से डैब डैब करके स्पॉन्ज की हेल्प से करूँगी क्योंकि ब्रश से करने से इसके स्ट्रोक्स दिखते हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर स्पॉन्ज की हेल्प से पूरा कलर कर देंगे इसे। ये देखिए डबल शेड में बोतल को कलर करने के बाद अभी अच्छे से सूख गई है। अब इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए मैंने ये इस तरह से कुछ फ्लावर्स की कटिंग ली है। अलग तरह के फ्लावर्स हैं ये सभी और इन सबको मैं इसके ऊपर स्टिक करूँगी। तो इसके लिए मैंने लिया है फेविकोल और वाटर का थिन पेस्ट। तो इसको मैं इसके ऊपर लगाकर इसके ऊपर लगा दूंगी और इसके ऊपर फिर बोतल के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए इस बोतल पर भी मैंने पूरे फ्लावर्स को लगाकर इसे डेकोरेट अच्छे से कर दिया है और ये कितना प्यारा बनकर रेडी हो गया है। इसके ऊपर भी हम वाटर और फेविकोल का थिन पेस्ट लगा देंगे जिससे कि ये कलर्स और ये फ्लावर्स की कटआउट सिक्योर हो जाएंगे। इस तरह से पूरी बोतल को कवर कर देंगे। इस बोतल का यूज़ हम मनी प्लांट लगाने के लिए कर सकते हैं या फिर हम इसके अंदर आर्टिफिशियल प्लांट फ्लावर्स लगाकर इसे डाइनिंग टेबल पर या लिविंग रूम में रखकर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। दोनों ही DIYs बहुत ही प्यारे बनकर रेडी हुए हैं। आपको जो DIY पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।